तो स्वागत है आपका जावा सीखने की इस सीरीज़ में। आज हम लोग सीखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग जावा के अंदर। तो फाइल हैंडलिंग नाम से ही जैसे कि क्लियर हो रहा है कि फाइल हैंडल करना। तो क्या इससे पहले, ये सीखने से पहले कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो आपको पता होगा कि वो कहाँ आता है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है हमारी हार्ड डिस्क, HDD कह देता हूँ मैं इसको, हार्ड डिस्क, और एक होता है हमारा रैम। तो जब प्रोग्राम हमारा रन होता है तो वो आता है रैम के अंदर। अब इस प्रोग्राम के अंदर जो भी आप बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, जो वेरिएबल्स आप बनाते हैं, जो भी आप चीज़ें बनाते हैं, वो कहाँ जाती हैं? वो सब मेमोरी मिलती है, जो प्रोग्राम होता है उस वो मेमोरी कंज्यूम करता है, और ये सब उन सबको मेमोरी यहीं से मिलती है। तो ये सब मेमोरी आपकी जाती है रैम के अंदर। लेकिन जब आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये रैम जो है वो आपकी हो जाती है क्लियर। लेकिन बहुत से टास्क ऐसे होते हैं जिसमें आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिस हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। जब आपने प्रोग्राम सेव कर दिया वो हार्ड डिस्क में चला गया, जब आपने प्रोग्राम रन किया वो फिर से रैम में आ गया। लेकिन बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं, बहुत से ऐसे टास्क होते हैं जहां आपको टास्क ख़त्म होने के बाद भी प्रोग्राम अपने को मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की? डेटा की। जैसे मान लीजिए आपने बैंक के लिए प्रोग्राम बनाया, तो प्रोग्राम में क्या है, वो प्रोग्राम क्या करता है, आपके अकाउंट से पैसे निकालता है, माइनस कर देता है, वो एक प्रोग्राम है। लेकिन वो प्रोग्राम जो कर रहा है उसके बाद जो आपका आउटपुट है या जो भी है, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको एक हार्ड डिस्क में जगह पड़ेगी, फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और उस डेटा, जो फाइल आपकी रीड हुई है, राइट हुई है, उसकी आपको टास्क ख़त्म होने के बाद भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर दो दिन बाद आप फिर से आते हैं तो आप वहाँ से डेटा उठा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोगों को समझने के लिए, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग C++ में भी शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, जावा में भी पढ़ी, जावा में मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने C++ पढ़ा है वो लोग इसको जानते होंगे। जो लोग पाइथन कर रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता होती है फाइल की। जब हम किसी बड़ी फाइल को रीड करते हैं, या हम किसी डेटा का एनालिसिस करते हैं, या डेटा साइंस में जब पढ़ते हैं, तो हम जो डेटा उठाते हैं वो एक एक्सटर्नल फाइल से उठाते हैं। तो वही चीज़ होती है फाइल, वहाँ से हम लोग लेते हैं डेटा, उससे निकालते हैं अलग अलग रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट को फिर से हम करते हैं किसी उसमें स्टोर फाइल में। तो ये सभी चीज़ें हमारी फाइल हैंडलिंग के अंदर आती हैं। तो अभी फाइल हैंडलिंग समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ें समझना होंगी। सबसे पहली तो जावा के अंदर ये java.io पैकेज है, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, java.io पैकेज जो है, इसके अंदर आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी जो इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के लिए चाहिए। इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के लिए जो भी आपको चाहिए वो आपको पूरी क्लासेस इसके अंदर मिल जाएंगी, और जाहिर सी बात है कि फंक्शंस भी आपको इसके अंदर मिलेंगे, कई सारे फंक्शन जिनमें आप फाइल का आप कुछ भी कर सकते हो। फाइल हैंडलिंग अगर अपन कहें तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है, अगर जितने भी प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट है उन सभी का एक इंटीग्रल पार्ट है। और फाइल हैंडलिंग की अगर परिभाषा अगर मैं बात करूं तो फाइल हैंडलिंग प्रोवाइड कराता है एक तरीका प्रोग्राम को, जिससे कि वो कर सके, स्टोर कर सके डेटा, डेटा को वो स्टोर कर सके। इसके लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जावा के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ मैं एक फाइल क्लास है, जब आप आईओ पैकेज इंपोर्ट करेंगे आपको मिलेगी एक फाइल क्लास, और मान लीजिए फाइल क्लास का मैं एक बना देता हूँ ऑब्जेक्ट F1, और यहाँ मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ न्यू फाइल, और यहाँ मैं मान लीजिए इसके अंदर मैं वैल्यू पास करूँगा उसकी, जो मेरा फाइल यहाँ पर स्टोर है। मान लीजिए आपने जी ड्राइव का एक पाथ दे दिया है कि जी ड्राइव के अंदर आपकी एक फाइल है न्यू फाइल .txt, ये हुई। तो यहाँ देखिए अभी इसमें क्या समझना है, देखिए ये F1 है, ये F1 रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेटा डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। F1 मेटा डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो हमारी फाइल कहाँ स्टोर है, क्या है क्या नहीं है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, फाइल क्लास के कुछ फंक्शंस भी हैं, फाइल क्लास के फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस हैं, बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे कि कैन राइट,
ये कैन राइट फंक्शन है, ये चेक करता है कि क्या आपकी फाइल राइट करने लायक है या नहीं, या एग्जिस्ट एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। अगला अपना है गेट नेम, ऐसे कई हैं जिन आप अगर जावा का डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो वहाँ आपको ये फंक्शंस मिल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से फटाफट से देखते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि फाइल ऑपरेशन हम लोग जावा के अंदर कैसे बनाते हैं। तो चलिए यहाँ हम एक बनाने वाले हैं प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे एक फंक्शन क्लास फाइल क्लास का। तो क्लास का फाइल के फंक्शन कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ एग्जांपल मैं दूंगा, पूरे फंक्शंस तो नहीं लेकिन अधिकतर फंक्शंस का मैं आपको बता दूंगा। बाकी का यूज़ आप इसका डॉक्यूमेंटेशन या कहीं से वो आप इसको देख के अपने सुविधा के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने एक बना रखी है फाइल ex1 नाम का एक क्लास बना रखा है। उसके पहले हमको इंपोर्ट करना है एक पैकेज। पैकेज के बारे में मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ पैकेज क्या होते हैं। तो यहाँ एक पैकेज है अपने पास आईओ पैकेज जावा के अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, और उस पैकेज की एक क्लास है फाइल। फाइल क्लास का यूज़ मैं करने वाला हूँ, यानी फाइल क्लास को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब फाइल क्लास जो जावा में ऑलरेडी बनी हुई है उसके फंक्शंस को मैं यूज़ कर पाऊँगा इस प्रोग्राम में। बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बनाया मैंने क्लास फाइल ex1, और अब मैं लिखने वाला हूँ एक प्रोग्राम। चलिए तो यहाँ मैं लिखता हूँ अपना, सीधा बना देता हूँ मेन फंक्शन। और इस मेन फंक्शन के अंदर यहां बनाने वाला हूं मैं फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट। यहां फाइल क्लास का मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है g1 या f1 जो भी आपको बनाना हो, f2 बना देता हूं। चलिए मैं इक्वल टू यहां बनाया मैंने न्यू, और यहां लिखूंगा मैं फाइल। अच्छा, अब इस फाइल यहाँ पर जो हम बना रहे हैं एक फंक्शन, इसके अंदर हमको पास करना है फाइल, जो हमारी फाइल कहाँ पर है उसकी लोकेशन। तो चलिए मैं यहाँ पर एक लोकेशन दे देता हूँ, मान लीजिए डी ड्राइव, और डी ड्राइव में एक फोल्डर दे देता हूँ मैं db2, जो कि मेरे कंप्यूटर में एग्जिस्ट करता है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है db2, ये है यहाँ पर। इसके अंदर अभी ये दो फाइल्स हैं, लेकिन कोई भी नोटपैड की फाइल या टेक्स्ट फाइल हमारे पास नहीं है। अभी मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज। अब मैं क्या करने वाला हूँ ये देखिए, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ हेलो जावा .txt तो देखिए हेलो जावा .txt ये फाइल इसके अंदर है, लेकिन ये फाइल का जो पाथ मैं दे रहा हूँ ये एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा, ये जो F2 है ये क्या कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पाथ को, यानी कि मेटा डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ हम लोग देखते हैं। यहाँ मैं अब एक फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ जो कि है फाइल क्लास का। यहाँ लिखूँगा मैं सिस्टम एक आउटपुट स्टेटमेंट जोड़ देता हूँ मैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो चलिए एक मैसेज डाल देता हूँ स्टेटस ऑफ फाइल, और थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए मैं प्लस लगा के यहाँ पर मैं F2 जो ऑब्जेक्ट है अपना डॉट लगाऊंगा, और एक फंक्शन यूज़ करूँगा, उसका नाम है एग्जिस्ट exist एग्जिस्ट फंक्शन। ये एग्जिस्ट फंक्शन क्या करेगा, ये जो अपन ने ये जो दिया हुआ है, ये जो पाथ इसमें दिया हुआ है, इस फाइल को ये चेक करेगा ये है कि नहीं। अच्छा, ये एग्जिस्ट फाइल का रिटर्न टाइप है बुलियन, यानी कि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ बंद, और इस प्रोग्राम को कर देता हूँ एंड। तो ये हमारा प्रोग्राम बन के हो गया तैयार, और यहाँ हमने यूज़ किया है एग्जिस्ट फंक्शन, तो ये चेक करेगा कि ये फाइल हमारी है कि नहीं। चलिए फटाफट से इसको करता हूँ कंपाइल, ये कंपाइल हमारा हो गया, मैं ये करता हूँ एग्जीक्यूट। ये देखिए स्टेटस ऑफ फाइल, और यहाँ आ रहा है फॉल्स, जैसा कि मैंने बताया था कि एग्जिस्ट जो हमारा फंक्शन है ये बूलियन टाइप का रिटर्न करता है, तो इसने फॉल्स कर दिया, यानी कि ये db2 फोल्डर के अंदर हमारे पास कोई फाइल है ही नहीं हेलो जावा के नाम की। चलिए अगर मान लीजिए मैं हेलो जावा के नाम की कोई फाइल बना देता हूँ, हेलो जावा के नाम की फाइल बना दी, और इसमें कुछ मैं लिख देता हूँ I am a programmer। चलिए ये लिख दिया है मैंने, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, और इसको कर दिया मैंने सेव। अब देखिए हेलो जावा नाम की हमारे पास फाइल है।
अब मैं देखता हूँ क्या इसे चला के क्या ये फिर से काम करता है कि नहीं। यहाँ मैंने इसको कंपाइल किया है फिर से, ये एग्जीक्यूट मैं इसको करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है ट्रू, यानी कि अब जो फाइल हमारे पास है इसने चेक कर ली कि ये फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो ये वैल्यू इसने ट्रू कर दी है। तो ये एक एग्जाम्पल था अपनी फाइल क्लास के फंक्शंस का, और इसमें हमने सिर्फ अभी यूज़ किया है एग्जिस्ट फंक्शन, और भी कई फंक्शंस हैं तो उनके अभी मैं वो एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं, अभी मैं एक फंक्शन और यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ मैंने इसको तो कमेंट आउट कर दिया, मैं एक फंक्शन और लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट और यहाँ मैं लिखने वाला हूँ नेम ऑफ द फाइल, नेम ऑफ फाइल, और यहाँ लगाता हूँ मैं प्लस F2 डॉट, और यहाँ एक फंक्शन है गेट नेम। गेट नेम फंक्शन इसी तरीके से आपको लिखना है, नेम का N कैपिटल रहेगा इसके अंदर, कुछ लोग गलतियाँ कर देते हैं। चलिए अब मैं ऐसे करता हूँ फिर से कंपाइल, एरर आई है क्या, अच्छा M नहीं छपा, चलिए फिर से छाप देते हैं, ये हो गया हमारा कंपाइल। अब मैं करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, देखते हैं क्या आता है। तो देखिए ये आया नेम ऑफ द फाइल, उसके बाद ये इसने प्रिंट कर दिया है हेलो जावा डॉट टी एक्स टी। इसको अगर मैं नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको फॉन्ट्स को बड़ा कर सकता हूँ, ये देखिए हेलो जावा डॉट टी एक्स टी आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इसने नेम प्रिंट कर दिया। तो ये गेट नेम मेथड जो है हमारी फाइल क्लास के अंदर, वो हमने इसको यूज़ करके देख ली। अगला चलिए मैं इसी में एडिट कर देता हूँ, एक और फंक्शन है जैसे कि लेंथ। अब ये लेंथ क्या है, चलिए रिटर्न क्या करता है ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चलिए एल ई एन जी टी एच लेंथ ऑफ फाइल। देखिए ये तो सिर्फ आउटपुट एक वो मैसेज है, फंक्शन हमारा यहाँ है, फंक्शन है इसका लेंथ एल ई एन जी टी एच। ये मैं इसको चला के देखता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, अब देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। ये देखिए लेंथ ऑफ द फाइल है 17, ये 17 क्या है लेंथ ऑफ द फाइल, चलिए देखते हैं किस आधार पर ये बता रहा है, ये भी देखना पड़ेगा हमको। क्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अब ये 17 क्या है ये भी हमको पता करना पड़ेगा। तो अगर आप इसके अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट देखेंगे तो उसमें लिखा है आई एम ए प्रोग्रामर, यहां आपको ये जो स्पेस दिख रहा है ये भी काउंट करना है। तो इसकी जो लेंथ है वो 17 है, मतलब अगर हम 1, 2, 3 स्पेस कम करते हैं तो ये 14 इसकी लेंथ बचती है। अगर इसको मैं पूरे को देखूं तो ये 17 लेंथ का है। तो यहाँ अपन लेंथ भी फाइल की फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। ये था हमारा लेंथ, और भी कई फंक्शन है। चलिए एक फंक्शन है कैन राइट, ये कैन राइट फंक्शन क्या करता है ये भी हम देखते हैं, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, देखते हैं क्या रिटर्न करता है। ये लिखा हुआ रहा राइट ट्रू, यानी कि कैन राइट मतलब ये जो फाइल हमारे पास है उसको हम राइट कर सकते हैं, राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, राइटेबल है, यानी इसका मतलब ये चीज है राइटेबल। तो इस प्रकार से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्या हम इसका यूज करके फाइल बना सकते हैं या नहीं, यहाँ फाइल बना सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ मैं चलिए हेलो जावा 2 नाम से एक फाइल लिख देता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप इस फोल्डर में देखेंगे तो हेलो जावा तो है लेकिन हेलो जावा 2 नहीं है। तो यहाँ मैंने ये बना दिया है, अब चाहता हूँ मैं कि ये जो F2 है, F2 के पास देखिए ये एड्रेस तो है, F2 के पास ये एड्रेस है, लेकिन अब F2 से हम बोल के फाइल बनाना चाहते हैं। तो फाइल बनाने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन है, देखते हैं हम क्या ये फाइल बना पाता है कि नहीं। तो ये फंक्शन जो है वो है हमारा क्रिएट न्यू फाइल, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो मैंने इसे किया है कंपाइल और एरर आई है, एरर इसलिए आई है क्योंकि यहां पर न्यू का एन कैपिटल करना है हमको, न्यू और फाइल का एफ कैपिटल करना है। चलिए मैं इसे फिर से कंपाइल करता हूं, फिर एक एरर आ गई है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लिखा आ रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन, यानी कि ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या चीज़ होती है, देखिए एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हमने कोड नहीं लिखा है
और ऐसी कंडीशन आ गई। देखिए यहाँ हम F2 के अंदर ये एड्रेस डलवा रहे हैं, यानी कि ये मेटा डेटा ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये फाइल तो यहाँ है ही नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ ये फाइल है ही नहीं, इसलिए ये चीज़ क्या होगी, ये एक्सेप्शन थ्रू करेगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। हमें मालूम है कि ये एक एक्सेप्शन थ्रो करने वाला है, तो हमने इसे ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया है। अब इसको कैच भी कराना है, तो मैंने पहले से ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया है कि मतलब इसके अंदर एक्सेप्शन आएगी और ये कैच कर लेगा। कैच कब करेगा ये, तो यहाँ पर ये कैच मैकेनिज्म हम मैं जोड़ देता हूँ, और कैच के अंदर मैं एक एक्सेप्शन जो आ रहा था ये इसको पकड़ लेगा, एक्सेप्शन और ई, एक्सेप्शन क्लास का ई एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया, ये इसको ले लेगा। इसके अंदर हमें जो कोड आपको डालना है वो कोड आप डाल सकते हो। तो चलिए ये यहाँ तो लिखा ही है, और इसको मैं हटा देता हूँ और इसको लिख देता हूँ कि फाइल क्रिएटेड। चलिए अभी हमारे पास ट्राई मैकेनिज्म है और कैच भी है। अब अगर जो एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन इसलिए आएगा क्योंकि ये फाइल है नहीं, और इसके बाद हम फाइल बनाने वाले हैं, पहले लेकिन हम इसमें एड्रेस स्टोर करा रहे हैं इसका। तो चलिए मैं इसे करता हूँ कंपाइल। देखिए अब ये कंपाइल हो गया है, और इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने पर ये कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, क्यों भाई, इसे मैंने सेव भी कर दिया था। चलिए तो एक्सेप्शन आई और इसके बाद ये देखते हैं हम क्या हमारे पास फाइल बन गई। देखिए हेलो जावा 2 नाम की एक फाइल बन गई है। जो गलती हमसे हुई है वो ये हुई है कि हमने इसे इसको यहाँ ना लिखकर हमको यहीं पर लिखना है, क्योंकि जैसे ही फाइल बन जाएगी वो ये हमारे पास जनरेट कर देगा। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको कैच कराना हो। अब अगर आप फाइल अपनी चलाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए फाइल क्रिएटेड का मैसेज भी आ गया है और हमारे पास फाइल बन भी गई है हेलो जावा 2। इस तरीके से आप लोग फाइल बना सकते हैं फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके। और भी हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। देखिए आप फाइल को यहाँ पर आप बना सकते हैं, फाइल के अंदर कुछ लिख भी सकते हैं, फाइल से कुछ रीड भी करा सकते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है और जो फाइल हैंडलिंग है ये समझ में आया होगा। इसकी फाइल हैंडलिंग का एक और वीडियो इसके बाद मैं बनाकर अपलोड करूँगा, जिसमें मैं फाइल को रीड करना, फाइल को राइट करना, हमने अभी बनाना तो सीख लिया है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंटेंट अगर हमको लिखना हो तो वो कैसे करना है, और भी कई ऑपरेशन ऐसे हैं फाइल के जो हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी हम इसमें बनाएंगे। अभी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, ये वीडियो वैसे भी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आप इतना बना के देखिए, और जो भी आपके सुझाव हो और जो भी आपकी शिकायतें हो या जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।